ओ इसका मतलब, अरे रे रे रे, ये तो कमाल हो गया, ये तो हमको भी नहीं मालूम था नीलेश जी। नीलेश जी ये देखिए, ये खेल देखिए कितना शानदार। तरुण जी ने बताया कि ये पत्र जो इनके तरफ से गया है, आपके जो कोर्ट में नोटिसेज जा रहे हैं नीलेश जी के या प्रशांत जी के, नीलेश जी तो लगातार अटैक कर रहे हैं मुंबई लेकर के और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जगह, तो इससे सरकार के ऊपर अब दबाव बनना शुरू हो गया है कि मुझे तो खजाना खाली करना पड़ेगा, या तो मैं खजाना खाली करूं या वो माफिया को बोलूं कि खजाना खाली करो, तुमने हमें बोला था कि हमारा सब कुछ सुरक्षित है ये वाला, तो अब तो वो सुरक्षित है नहीं, तो ये तो हम चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं, ये कह रहे हैं या तो हमें पैसा दो या उनसे दिलवाओ, अब क्या करेंगे। तो ये तरुण जी का जो पत्र गया है उसके बाद, ये तो हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि देखिए डॉक्टर तरुण कोठारी किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नहीं जानता, और ये कंप्रोमाइज्ड मीडिया उसको देखिए। प्रकाश जी कितनी इंपॉर्टेंट बात तरुण जी ने की है, नीलेश जी देखिए इन्होंने सीधा, और ये कॉन्स्टेंटली पिछले साल डेढ़ साल से ये केजरीवाल को पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी लिख रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को लगातार लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने, जैसा मैंने आपने शुरू में कहा था कि वो पॉलिटिकल ब्लंडर है, वो अब उसके बारे में कितनी जो भी शब्द कहे, मेरे ख्याल से केजरीवाल और उसके गैंग के लिए कम ही पड़ेगा इस गैंग के लिए। प्रकाश जी अभी जो तरुण जी ने कहा कि अब सरकार पल्ला झाड़ना चाहती है क्योंकि उनको व्यापारियों की तरफ से भी कॉम्पनसेशन का डिमांड जाएगा, अब आप सोचिए हमारे यहाँ व्यापारी के नेता बैठे हुए हैं, उन तक को नहीं मालूम है कि कॉम्पनसेशन होता है, अभी तो बेचारे पूछेंगे नीलेश जी से, तो बताएंगे कोठारी जी भी और नीलेश जी से,